वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। यूपी चुनाव सिर पर है और सभी पार्टियों की नींद उड़ी पड़ी है। कोई भी पार्टी किसी भी तरीके की गलती करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही, तो वही जनादार खो चुकी समाजवादी पार्टी के नेता मानो की जैसे कसम ही खाकर बैठे हैं कि पार्टी का बंटाधार करके ही मानेंगे। अगर मामले की गहराई में जाएं तो मामला कुछ ऐसा है कि सुल्तानपुर में अखिलेश के करीबी और सपा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि लोग साइकिल से गांव-गांव जाकर समाजवादी पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और ये वायरल वीडियो ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का बताया जा रहा है। जरा आप भी सुनिए इनके बोल। आदमी मोटरसाइकिल गाड़ी से नहीं चल सकता है और साइकिल हम लोग का सिंबल, माननीय अखिलेश यादव जी का सिंबल है। हम लोग संकल्प लेते हैं इसी तरह गांव-गांव जाकर पार्टी को हटाने का काम करेंगे। पूर्व विधायक का ये बेतुका बयान अब खुद उनके गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। इस बयान में सपा कार्यकर्ताओं में जहां नाराजगी देखने को मिली, वहीं क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बन गया। अगर इनके बारे में थोड़ा जाने तो ये जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं और पिछले कई सालों में क्षेत्र में सक्रिय हैं। वो आम आदमी के मुद्दों को लेकर सड़कों पर निरंतर उतरते रहते हैं। जितना वो सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं उतना ही सोशल साइट्स पर नजर भी आते हैं, लेकिन उनके एक बयान से न सिर्फ उनकी बल्कि पूरी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई, साथ ही किरकिरी भी हुई, कार्यकर्ताओं में खलबली भी मच गई है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला